नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर खास खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। विशाल कलश यात्रा के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा खेड़ापति हनुमान मंदिर से संतोषी विहार पार्क तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कथावाचक आचार्य पंडित नवलेश दीक्षित जी महाराज रथ पर विराजमान थे। गुरु जी के नेतृत्व में श्री राम दरबार की झांकी, राधे कृष्ण की झांकी अलग अलग रथ पर विराजमान थी। रामनवमी के पावन पर्व पर संतोषी विहार के पार्क तक कलश यात्रा के दौरान हजारों जनमानस कलश यात्रा के साक्षी बने और पुण्य लाभ अर्जित की। श्रीमद् भागवत के मुख्य यजमान श्री वीरेंद्र त्रिपाठी जी व उनकी धर्मपत्नी व समस्त कुटुंबजन, समाज के समस्त गणमान्य लोग, माताओं और बहनों ने मिलकर कथा पंडाल तक भजनों पर नृत्य करते हुए पहुंचे। 30 मार्च 2023 से समय दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होकर शाम 7 बजे तक प्रतिदिन होगी। कथा विश्राम दिवस दिनांक 6 अप्रैल 2023 हनुमान जन्मोत्सव पर होगी। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने प्रतिदिन संतोषी विहार नरेला शंकरी अवश्य पधारे। आप सभी को रामनवमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। राधे राधे। ये यात्रा नहीं है, ये भागवत कथा है। प्रभु को उद्धार के लिए भागवत कथा होती है। हमारे पुरखे जहाँ होंगे उनसे अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप आए और कथा का रसपान करें और उसके बाद आपको अवध की प्राप्ति हो, ऐसा बहुत से अनुरोध है। और बड़ा सौभाग्य है कि आज रामनवमी से कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान श्री राम से प्रार्थना अनुरोध है कि भगवान श्री राम जी हम सब युवाओं को, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें, सब लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और एक बने, नेक बने, आपसी जो सामंजस्य है समाज में वो बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की। जय संतोषी विहार पार्क रिलायंस सुपर मार्केट के पीछे। ये बात सौभाग्य है कि हमारे त्रिपाठी और मिश्रा परिवार द्वारा भागवत का आयोजन रखा गया है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का आशीर्वाद और ये कथा कलश यात्रा भी खेड़ापति हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर ये संतोषी विहार कॉलोनी विराजमान पहुँचेगी, जहाँ पर कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग साधारण आमंत्रित हैं। पुरखों के उनको सब प्राप्त हो, पुरखों को। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस 24 न्यूज। नमस्कार।